हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ तमलिका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आई होप आपका आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए आज बना रही थी, मैं इसका क्या नाम दूँ, मैं मिनी डोसा ही बोलूँगी। तो रावा डोसा ये है, और इसमें मैं एक कप में सूजी डाला, एक कप में चावल का आटा डाला, और एक कप में व्हीट फ्लावर डाला, और उसमें मैं चॉप करके ग्रीन चिली डाला, थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैं चॉप करके मैं कड़ी पत्ता भी उसमें डाला था, क्योंकि कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर आता है ना, थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर आ जाता है। और उसमें थोड़ा सा मैं 1.5 टीस्पून तक में योगर्ट भी ऐड किया था, और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी देके उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा पतला टाइप का कर लूँगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा पानी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो एकदम थोड़ा सा एकदम पतला हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी पूरा ऐसा ही रहेगा। देखिए, फिर इसको मैं आधा घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ूंगी। तो देखिए, आधा घंटा बाद में जो देख रही हूँ, तो इसको एकदम सूजी जो है एकदम अच्छे से उसमें फूल के रेडी हो चुका है। और देखिए, पहले काफ़ी पतला था, अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमको रखना है। अभी इसको तवा में, अब थोड़ा सा आपका जैसे भी तवा है, मैं छोटा सा मेरा तवा है तो मैं उसमें ही बनाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से उसमें डाल के, जैसे डोसा बनाती हूँ ना, जैसे पैनकेक आप बनाते हो, वैसे ही एक एक करके आप बना के रेडी कर सकते हो। तो मेरे पास ये कास्ट आयरन का छोटा सा एक फ्राई पैन है, तो मैं इसमें ही बनाऊंगी, छोटा छोटा बनाऊंगी रहने के लिए। तो आप बच्चे के लिए भी ब्रेकफास्ट में ये बना सकते हो, ये बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट है, और आपका बच्चे बहुत ही मज़े से खा लेगा। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऑयल देके मैं इसको पहले गर्म कर लिया था अच्छे से, ये कास्ट आयरन का है नहीं तो चिपक जाएगा। तो उसके बाद मैं देखिए एक ही स्पून दूँगी, जैसे जो मेरा जो स्पून आप देख रहे हो वैसा ही मैं एक स्पून देके उसको अच्छे से स्पेट कर दूंगी थोड़ा सा। अगर आप चाहो तो बड़े से तावा में आप बड़े वाला जो डोसा बनते हैं वैसे भी आप बना सकते हो, एकदम कड़क बनेगा। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा में, छोटे फ्राई पैन में बना रही हूँ, बट पूरा कड़क बन के रेडी हो चुका है। और इसमें चावल का भी आटा है, सूजी भी है, एकदम कड़क हो जाएगा। और डोसा बड़ा डोसा बनाने में और भी अच्छा लगेगा, और खाने में भी मज़ा आएगा। आपके पास कोई कोकोनट चटनी हो, अगर कोई टमाटर वाला चटनी हो, स्पाइसी वाला, आप किसी के साथ भी खा सकते हो। बच्चे अगर स्पाइसी ना पसंद करे तो आप उसमें बच्चे को आप टोमेटो सॉस के साथ भी ये सर्व कर सकते हो। तो मैं रेनी को, मेरे पास स्पाइसी वाला टोमेटो चटनी पहले से बना के रख दिया था, वो चटनी है। अगर उसका रेसिपी किसी को चाहिए मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ चटनी बना के मैं रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि रेनी को ब्रेकफास्ट में जब वो घर पे रहती है उसको चाहिए होता है। और देखिए, काफ़ी मैं रेडी करके इधर रख चुकी हूँ, और दोनों मिलके, माँ बेटी दोनों मिलके एक साथ आज ब्रेकफास्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं झटपट से रेडी कर रही हूँ। और आज वेदर भी बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या खाना पकाऊँगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, अच्छा लगेगा। ये जो टोमेटो चटनी है ये बहुत ही स्पाइसी है, अगर आप चाहो तो ये स्पाइसी थोड़ा कम करके भी बच्चे को सर्व कर सकते हो। और मेरे लिए तो अभी खा लेती है स्पाइसी, और ये बहुत ही एकदम क्रंची बना है। और अभी मैं लंच का प्रिपरेशन करूँगी, और ब्रेकफास्ट हम दोनों का हो गया है, लंच का प्रिपरेशन करूँगी। और इधर मेरा, इधर जो किचन का जो शेल्फ है ये काफ़ी मेसी पड़ा हो चुका है, क्योंकि दोनों एक साथ रसंदी पर मैं एक साथ करती हूँ ना। तो अभी बनाऊँगी, मैं मसूर की दाल में चढ़ा दिया, और अभी बनाऊँगी कीमा कड़ी, चिकन कीमा कड़ी, और साथ ही में मेरा जो बॉयल आलू और मटर है उसका भी सलाद बनाऊँगी। तो दाल मेरा बॉयल हो चुका है, दाल में जब बॉयल किया था मैं उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं उसमें सॉल्ट दिया था, और ग्रीन चिली मैंने फाड़ के दिया था, तेजपत्ता दो दे दिया था, और हल्दी थोड़ा सा ही मैंने 1/2 टीस्पून तक दिया था। देखिए, अच्छे से उसको बॉयल कर लिया था, देखिए उबल आ चुका है दाल में। अभी मैं उसमें छौंक मारूँगी मस्टर्ड ऑयल में, थोड़ा सा
में उसमें कालंजी मतलब काला जीरा और दो तीन सूखा मिर्च में उसमें डाल दिया। मेरा नानी बहुत बनाती थी ये दाल और बहुत ही टेस्टी बनता है। पतला सा एक दाल बन के रेडी हो चुका है। ये जो दाल है आप खाली कप में भी डाल के आप पी सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। गरम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैं बनाऊंगी कीमा कड़ी, मटर कीमा कड़ी चिकन का, जो रेनी बहुत ही पसंद करते हैं। और मैं सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल दिया क्योंकि मैं इन्हें मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी। तेजपत्ता दिया और होल गरम मसाला मैंने सबसे पहले ऐड किया। उसके बाद मैं एकदम ग्रेट करके ऑनियन रखा था, उस ऑनियन को अच्छे से मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी पहले। अब दे दूंगी अपने हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट, बाद में देखेंगे। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा कम हो गया तो मैं बाद में दे सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं कम ही देती हूँ। उसके बाद देखिए अच्छे से देखिए, जब मेरा ऑनियन हल्का एकदम ब्राउन होके आ गया है तब मैं इसमें ग्रेट जिंजर गार्लिक और मैंने दिया है ग्रीन चिली, एक साथ उसको अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनते रहना है जब तक ये नरम ना हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे मैं मसाला ऐड करूँगी। तो देखिए ये काफ़ी हद तक ये भुन चुका है। अभी मैं दे दूंगी टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसके साथ। जो मैं मसाला ऐड करूंगी उसमें है कश्मीरी चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी। सभी क्वांटिटी सेम रहेगा। डेढ़ चम्मच तक मैंने ऐड किया, 1.5 टीस्पून तक मैंने ऐड किया। खाली हल्दी को मैंने आधा चम्मच के ऊपर ही थोड़ा सा रखा। अभी देखिए ये भी ऑलमोस्ट नरम हो चुका है और मैं अभी इसमें मसाला ऐड करूँगी। मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो अगर मसाला ना जले इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। फिर अच्छे से मसाला को भूनते रहना है जब तक ऑयल ना छोड़ दे। तो देखिए मसाला ऑलमोस्ट पक गया है और तेल भी छोड़ना शुरू हो गया है। अभी मैं फिर से अपने हिसाब से मैं उसमें सॉल्ट डाल दूंगी, क्योंकि पहले मैं कम डाला था तो अभी मैं फिर से डाल दिया। अभी एकदम परफेक्ट सॉल्ट मैंने डाल दिया। देखिए तेल एकदम छोड़ दिया है। अभी मैं कीमा ऐड करूंगी इसमें, और कीमा को मैं पहले से हल्का सा धो लिया था छेनी में छान के, और फिर उसको डायरेक्ट मैं दे दूंगी, क्योंकि बाहर से कुछ भी मैं चिकन वगैरह लाती हूँ बिना धोके मैं कभी नहीं खाना पकाती हूँ। तो देखिए मैं इसमें डाल दिया, अभी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कीमा जो है एकदम मसाला के साथ अच्छे से मिला लिया, और अभी मैं उसमें ग्रीन पीस ऐड कर दिया। ये फ्रोज़न ग्रीन पीस मेरा हमेशा फ्रिज में रहता है, आप सबको पता ही है, तो मैं वो ही दे दिया। तो अच्छे से उसको भी मिला लेंगे। अभी दे दिया मैं थोड़ा सा, मेरे पास जो भाजा मसाला हमेशा रहता है वही भाजा मसाला में 1.5 टीस्पून तक मैंने ऐड कर दिया उसमें। साथ ही में थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दिया। अभी लीड लगा के इसको अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा चिकन को भी पकना है। और अभी मैं उसमें पकने के बाद देखिए काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से कसौड़ी मेथी का पत्ता मैं ऊपर से दे दूंगी।
और अभी मैं ऊपर से संदीप का बनाया हुआ गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया, और इसमें 7-8 स्पाइसेस है इस गरम मसाला में, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून तक मैं इसमें किचन किंग पाउडर भी ऐड कर दिया, और अच्छे से सबको मिला लेंगे। फिर जब तब तक भूनना, तब तक इसको पकाना है जब तक पानी ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अभी खूब सारा मैं धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो धनिया पत्ता को कम ज़्यादा कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने दिया। धनिया पत्ता डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, अच्छे से इसको अच्छे से मिला लेंगे और पानी को थोड़ा सा सुखाएंगे, फिर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं देना है। और ये एकदम बन के रेडी हो चुका है, और इसको मैं उठा लिया, और ये काफ़ी हद तक टेस्टी भी बना है। आप बना के ट्राई कर सकते हो। अभी रमज़ान भी आ रहा है, शुरू हो गया है, उस आप घर पे भी बना सकते हो। और ये दोनों डिश मेरा रेडी हो चुका है। ये है मसूर की दाल और दिल कीमा कड़ी, और अभी बनाऊंगी मैं ड्राम स्टिक आलू और बड़ी की एक सब्जी जो मस्टर्ड पेस्ट से बनाऊंगी। मेरे घर पे कलकत्ता में मेरा मम्मी बहुत बनाते हैं, मेरा सिस्टर भी बहुत बनाते हैं, और ये रेसिपी आज मैं मेरा सिस्टर से पूछ के मैंने किया। और सबसे पहले मैं मस्टर्ड ऑयल में बड़ी को अच्छे से फ्राई करके उठा लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं सब्जी ऐड करके भी फ्राई करूँगी। तो बड़ी भी फ्राई हो चुका है, और ऐसे ही रेड टाइप का उसको फ्राई करना है। फिर मैं देखिए उठा लिया इसको, फिर उसी तेल में मैं गरम मसाला नहीं, तेज पत्ता 5 फोड़न, और मैं ड्रमस्टिक और आलू को एक साथ उसके साथ हल्का सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा एकदम फ्राई नहीं करना है, उसको हल्का सा ही फ्राई करना है। थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी। और अभी इसमें मैं 1.5 टीस्पून तक हल्दी दिया, 1.5 टीस्पून तक मैं रेड चिली पाउडर दिया। ये कश्मीरी चिली पाउडर है, स्पाइसी नहीं होगा, और आपके स्पाइसी के हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, जैसे मैं मेरे लिए डालूंगी। और अभी मैं थोड़ा सा टमाटर, एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने इसमें ऐड किया, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मैं गर्म पानी उसमें ऐड किया ताकि वो अच्छे से पक जाए। अभी कुछ नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा पकना बाकी है, लीड लगा के मैं थोड़ा सा इसको पका लूँगी। तब तक वो हो रहा है, तब तक मैं मेरा सलाद भी बना लूँगी। तो मैं सलाद के लिए मटर और छोला, काला चना और आलू को बॉईल कर लिया था हल्का सा, और उसके बाद मैं इसमें क्यूक्यूम्बर काट के दिया, ऑनियन दूँगी, टमाटर भी काट के दूंगी, ग्रीन चिली भी काट के उसमें दूंगी छोटा छोटा पीस करके। और मैं उसमें ऐड करूंगी मैं धनिया पत्ता, खूब सारा धनिया पत्ता भी मैंने ऐड करूंगी, थोड़ा सा जिंजर चॉप करके भी उसमें दूंगी। तो देखिए, तब तक इधर मेरा हो गया था, बड़ी भी मैं अभी इसमें ऐड कर दिया, और वो काफ़ी बॉयल हो चुका था, थोड़ा सा नरम भी हो गया था आलू। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगी, मैं मस्टर्ड और मैं खसखस और थोड़ा 2-3 ग्रीन चिली एक साथ उसको पेस्ट करके रख दिया था, उसी पेस्ट को मैं इसमें ऐड कर दिया। फिर इसको तब तक पकाना है जब तक ये पानी थोड़ा सा सूख ना जाए। तो देखिए, मैं इसमें ऑनियन भी स्लाइस करके दे दिया ऊपर से, और खूब सारा धनिया पत्ता मैं काट के रखा था ऊपर से दे दूंगी। और क्योंकि सलाद में ना ये धनिया पत्ता अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और अभी मैं ऊपर से 1.5 टीस्पून तक मेरा जो भाजा मसाला रहता है वो मैंने दे दिया। ये भाजा मसाला जो है ना, काफ़ी चीज़ों में देने से उसका टेस्ट बहुत अच्छे से खुल जाता है। और ये भाजा मसाला मैं कैसे बनाया, अगर आप फिर से देखना चाहते हो
जो मेरा नए व्यूवर्स हो वो ही देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऊपर से मैं लेमन भी दे दिया थोड़ा सा, 1 टीस्पून तक, फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए ये बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ये खाली लंच पे भी खा सकते हो और आज लंच के साथ मैं ये रेनी ये एक साथ खाएंगे। तो देखिए इसका कलर इतना अच्छा आया है, देखने में भी मज़ा आ रहा है। और आलू को मैं छिलका के साथ ही बॉईल किया था। और ये देखिए बनके मेरा रेडी हो चुका है, एकदम सूख गया है। और ये इतना टेस्टी बनता है दोस्तों, बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है आज का लंच मेनू, और ये गोभी आलू की सब्जी मैं कल बनाई थी तो ये आज दे दिया। दाल है, गोभी आलू की सब्जी, जो सलाद अभी मैं बनाई थी मेरे लिए वो भी मैंने दिया, गंधराज नींबू, और ये है पालक की साग, और ये है भिंडी का पचड़ी जो मैंने पहले बना के रख दिया था, ये है ड्राम स्टिक आलू और बड़ी की सब्जी, और ये है कीमा करी विथ मटर। तो यम्मी सब एक लंच मैंने आज रेडी किया। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो मैं और रेनी थोड़ा सा गई थी बाहर इवनिंग में थोड़ा सा रेस्ट करके, और देखिए ये जो चांद है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं ग्रॉसरी सामान लाने गई थी रेनी के साथ, और मैं क्या क्या ग्रॉसरी सामान लेके आई देख लीजिए। और मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन और धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था, वो लाया, अदरक नहीं था, और ये चाय का पत्ती वगैरह ये सब जो भी सामान थोड़ा बहुत लगता है वो मैंने लेके आ गई। मैगी था, ब्लैक पेपर था, और चाय का पत्ती था, थोड़ा सा पापड़ जो चाय के साथ खाना है वो। तो अभी हो गया है रात, तो हम दोनों अभी करेंगे डिनर, और उसके बाद मैं और रेनी मिलके देखेंगे मूवी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।